अच्छा जी, पहले हमने सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल वो कहता है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है, हैविंग सीजनल वेरिएशन इन डिमांड। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द फोर क्वार्टर्स ऑफ करंट ईयर एंड द फर्स्ट टू क्वार्टर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, सॉरी, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर करंट ईयर के हो गए, और नेक्स्ट ईयर के वन और टू की उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो कहते हैं जी, सेलिंग प्राइस इज 80 पर यूनिट, बजट सेल्स आर एज फॉलो। ये नोट कर लो जी, 80 रुपीज उसने यहाँ पे बोली है। अब कहते हैं क्वार्टर वन में सेल्स होगी 40,000, टू में 60,000, थ्री में 1 लाख, फोर में 50,000, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 70,000, सेकेंड क्वार्टर में 80,000। वो कहता है कि सेल्स आर कलेक्टेड इन फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न नोट करो, ये कैश बजट ऐसे वो बनवाता है हमसे। 75% इन द क्वार्टर ऑफ सेल्स एंड बैलेंस 25% इन द फॉलोइंग क्वार्टर। बात को समझो, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, गौर से इस बात को समझो। उसने क्या बोला है? उसने बोला है सेल्स आर कलेक्टेड इन द फॉलोइंग पैटर्न, 75 इन द क्वार्टर ऑफ सेल्स एंड 25 इन द फॉलोइंग क्वार्टर। मतलब जिस क्वार्टर में आप सेल करोगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने सेल की, जितनी सेल आपने की 31 मार्च तक, उसका 75% उसी क्वार्टर के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उस वैल्यू का 25% आपको अप्रैल, मई, जून अगले क्वार्टर के अंदर जाके मिलेगा, ठीक है। यानी जो सेकेंड क्वार्टर होगा उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर के 25% होगी, और सेकेंड क्वार्टर की अपनी 75% होगी, और सेकेंड क्वार्टर के जो 25% बचेगी वो चली जाएगी थर्ड क्वार्टर के अंदर, थर्ड वाले की फोर्थ में, फोर्थ वाले की अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। आगे वो कहता है द कंपनी डिजायर्स एंड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड यूनिट्स, ठीक है, ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इक्वल टू 30% ऑफ द बजटेड सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये बात भी बड़े ध्यान से समझो। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कंपनी डिजायर्स एंड एंडिंग इन्वेंट्री, कंपनी को फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री चाहिए क्वार्टर के एंड पे कितनी, 30% ऑफ द बजटेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। यानी क्वार्टर वन के एंड पे 31 मार्च को क्वार्टर टू की जो टोटल सेल्स होनी है उसका 30% उसको चाहिए फिनिश गुड्स। अगर मटेरियल ला दो, 5 केजी मटेरियल लगता है एक यूनिट के ऊपर। द कंपनी रिक्वायर्स एन एंड इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर टू 10% ऑफ द प्रोडक्शन नीडेड फॉर द फॉलोइंग क्वार्टर। के जितनी क्वार्टर वन, क्वार्टर टू में प्रोडक्शन रिक्वायर्ड थी, ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री हटा के, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने लेस कर दिया, एंडिंग को ऐड करके जो टोटल वैल्यू बची उसका 10%, ठीक है, आपको जो है ना वो होना, क्या कह रहे हैं, द कंपनी रिक्वायर्ड एन एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री उतनी आपको चाहिए 10%, ठीक है। अच्छा, द कंपनी है 23,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 23,000 केजी उसने रखा हुआ रॉ मटेरियल। फोर्थ और आखिरी पॉइंट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 8 रुपीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज पेड फॉर 60% इन क्वार्टर ऑफ परचेजेस एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग क्वार्टर। यानी जो हम परचेजेस करते हैं रॉ मटेरियल, उसकी पेमेंट 60% पेमेंट हम उसी क्वार्टर में कर देते हैं और 40% अगले क्वार्टर के अंदर करते हैं। जनवरी में एक चीज ली, फरवरी में ली, मार्च में ली, 31 मार्च तक हमने 1 लाख की परचेजेस कर ली, 60,000 हम इसी क्वार्टर में दे देंगे और 40,000 अगले क्वार्टर में देंगे। अकाउंट्स पेएबल शोज अ बैलेंस ऑफ 8,15,000, पिछला हमारे पास आ रहा है जो हमने देना है, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमने पे करना है। यहां तक सारा सवाल समझ आ गया सबको? हाँ जी, सब लोग समझ आ गया? भजन रिप्लाई करते हैं, सारे सो गए हैं, जाग रहे हैं।
मुझे 3 लोगों ने रिप्लाई किया, फिर बाद में आपको समझ नहीं आई, फिर आपने कहना है समझ नहीं आई। सवाल देखो सारा रिपीट होना है। उसने एंड में क्या कहा है? उसने कहा है कि हमें जो है ना सेल बजट बना के दो और कैश कलेक्शन बजट बना के दो, प्रोडक्शन बजट बना के, बेसिकली उसने मास्टर बजट हमसे बनवा लिया सारा। अब वो हम मास्टर बजट हमें बना, सबसे पहले मैंने आपको कहा था सेल्स बजट बनता है, सेल्स उसने हमें दी हुई है 1 2 3 4 क्वार्टर, ये हमने 3 क्वार्टर जो है ना, 4 क्वार्टर इसकी हमने लेनी है, ठीक है। पहले क्वार्टर की क्या है सेल्स? 40,000। मुझे यहाँ पे साथ साथ रिप्लाई करना है, पहले क्वार्टर की क्या थी? 40,000। दूसरे क्वार्टर की कितनी है? 60,000। थर्ड क्वार्टर की क्या है? 1 लाख हमने लिख लिया। फोर्थ क्वार्टर की क्या है? 50,000, ये भी हमने लिख लिया। ओके अच्छा, अब उसने हमें यहाँ पे क्या बताया था इन्वेंट्री के, उसमें पॉइंट नंबर आप देखो 3 कि कंपनी को 30% नेक्स्ट क्वार्टर की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री चाहिए ही चाहिए। कितनी चाहिए? 30% नेक्स्ट क्वार्टर की। नेक्स्ट क्वार्टर की अब सेल्स कितनी है? 60,000 की। कितनी है? 60,000 इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इसका 30% कैलकुलेट करो, 30% के कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना बनता है। सब लोग अठारह के समझ आइए, 18,000 कैसे आया? हमारे जो सेकंड क्वार्टर की सेल्स है उसका 30% हमने इन्वेंटरी में रखना था, वो बनानी है पहले साल में, तो वो पहले क्वार्टर में सॉरी, तो वो हमने 18,000 उसका कैलकुलेट कर लिया। अच्छा इसी तरह क्वार्टर टू में किसकी चाहिए होगी? 3 की, 1 लाख का 30%, 30,000, ठीक है। इसी तरह 50 का आप कैलकुलेट करो, 50 का 15,000 आता है, आ गया है 15,000, आ गया जी। अब आप नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर वन का कैलकुलेट करो, 70,000 का 30%, 21,000। हाँ जी, तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल ली जो उसने यहाँ पे हमें बोला था 30% से। ओके अब उसने अगली लाइन में ये क्या कहा हुआ है? 12,000 पिछले साल की पड़ी हुई है, 12,000 फिनिश यूनिट्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हमने क्या करना था? बजटेड सेल्स के अंदर ऐड करनी थी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, लेस करनी थी ओपनिंग, ये हमने लेस कर दी। कितनी? 12,000। तो हमने अब कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं? 46,000 क्वार्टर वन के अंदर। 60,000 प्लस 30,000 माइनस 18,000 कितने हो गए? 72,000। इसी तरह 85,000, 56,000। समझ आ गई सबको बात? हाँ जी सबको समझ आ गई। यार दो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाद में मैंने किसी को नहीं बताना, मैं पहले बता रहा हूँ, फिर किसी ने बाद में पूछा मैंने एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद आप आगे आ जाओ, हमने यूनिट्स में तो निकाल लिया। अब उसने यहाँ पे हमें क्या बताया था पहली लाइन में कि 80 प्राइस है उसकी, 80 रुपीज प्राइस है, 1,80,000 कहाँ पे है? 18,000 है सिंपल, 30% हमने कैलकुलेट किया है, 60,000 का 30% कैलकुलेट किया है, 18,000। अच्छा 80 रुपये प्राइस है यहाँ पे पहली लाइन में उसने बताया, ठीक है। अच्छा कितने हमने यूनिट्स बनाने हैं?
क्वार्टर वन में हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं? बताओ, 46K। ठीक है जी, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टर्नओवर निकालने के लिए? हाँ जी, सब लोग मुझे बताओ, सेल टर्नओवर कैलकुलेट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जी 46, 46। हाँ जी सब लोग, क्वार्टर वन का सेल्स टर्नओवर कैलकुलेट करना है। सही, माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। बाकी लोग, 11-12 लोगों का रिप्लाई है, बाकी लोग जल्दी रिप्लाई करें फिर आगे चलें। बोलो भाई, बोलो सब लोग। फोर्टी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, वो तो डिजायर्ड यूनिट है जो हमने प्रोड्यूस करने हैं। हमारा सेल्स रेवेन्यू हमने देखना है। क्वार्टर वन में आप कितने यूनिट्स बेच रहे हो, जितने यूनिट्स बेच रहे हो ठीक है, उतने से आपने मल्टीप्लाई करना है 80 को। आप 40,000 यूनिट सेल कर रहे हो, आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। 46 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 40 40 से मल्टीप्लाई करना है, 80 को 40,000 से आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास सेल्स रेवेन्यू आएगा। समझ आई बात सबको? इधर क्या आएगा अब, बोलो जल्दी, इधर क्या आएगा? हाँ जी, 60 से। ठीक हो गया, ये हम पहुंच गए जी। रेवेन्यू हमने सेल्स बजट अपना बना लिया कि पहले क्वार्टर में हमें इतने इतने का रेवेन्यू आएगा, सेकंड में इतने का, थर्ड में इतने का, फोर्थ में इतने का। अच्छा, इसकी बेस के ऊपर हम क्या बनाते होते थे? प्रोडक्शन। क्या बनाते थे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल चाहिए, ठीक है, पहले मटेरियल का कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, मटेरियल का उसने हमें क्या बताया था, कोई बता सकता है? मटेरियल का उसने हमें क्या बताया था क्वेश्चन में? हाँ जी, हाँ जी, 5 kg, बिल्कुल ठीक है जी। सब लोग सही ने सही बताया सब लोगों ने, ठीक है जी। 5 kg लगता है, ये इसने बताया है, 5 kg रॉ मटेरियल लगता है एक यूनिट के ऊपर। हमने यूनिट कितने बनाने हैं? हाँ जी, कितने यूनिट बनाने हैं मुझे बताओ जरा, क्वार्टर वन में? 46,000, ठीक है, कितने बनाने हैं? 46,000, तो टोटल हमने 2,30,000 यूनिट बनाने हैं। इधर कितने बनाने हैं? बहत्तर हजार, ठीक है। ये हमने बाकी भी थर्ड क्वार्टर में भी इसी तरह, फोर्थ क्वार्टर में भी इसी तरह हमने क्या निकाल लिए? हमने निकाल लिए यूनिट्स, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा पर क्वार्टर, जितने हमने इन्वेंट्री में टोटल यूनिट्स बनाने थे उसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमने रॉ मटेरियल निकाल लिया। अच्छा, आगे उसने हमें क्या बताया है? आगे पढ़ के बताओ क्या बताया उसने। तो भाई सारे सो गए हो, बताओ भाई, अगली लाइन पढ़ो, क्या बताया उसने?
नहीं समझ लग रही, उसने कहा था द कंपनी रिक्वायर्स एन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर टू 10% ऑफ द प्रोडक्शन नीडेड फॉर द फॉलोइंग क्वार्टर। अगले क्वार्टर की जितनी चाहिए होती है टोटल प्रोडक्शन, जितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसका 10% हमें इस उसमें चाहिए, एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो ये क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू में कितनी है? 3,60,000 का 10% निकालो, कितना बनता है? तीन लाख दस हजार का 10% निकालो, 36,000 आ गया सबका। इसी तरह थर्ड क्वार्टर में 4,25,000 चाहिए, और क्वार्टर टू में कितना आ जाएगा फिर? 4,25,000 का 10%, 42,500। इसी तरह 2,80,000 का 28%। ये उसकी अगली लाइन भी हमने बता दी। उससे आगे उसने क्या कहा है? द कंपनी हैड 23,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल क्वार्टर फोर का जो बचा हुआ था वो कितना पड़ा था? 23,000 पड़ा था। हमने वो क्या करना था? लेस करना था। हमने 23,000 करके उसको लेस कर लिया, तो टोटल हमें कितनी परचेजेस चाहिए होंगी? 2,43,000 की। इसी तरह क्वार्टर टू में 3,60,000 आ गया, ये 42 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 4,25,000 का 10%। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? जो पिछले साल में हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, पिछले साल क्लोजिंग क्या थी? 3,600, 36,000। यहाँ पे हमारी ओपनिंग होगी, क्वार्टर टू की जो क्लोजिंग है कितनी है? 42,500। वो क्वार्टर थ्री की क्या है? ओपनिंग है। इसी तरह क्वार्टर फोर की क्लोजिंग क्या है? जो क्वार्टर थ्री की एंडिंग है, ये आ गया। सही है, ओपनिंग, सॉरी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अच्छा अच्छा जी, ये माइक किसका ओपन है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा अब इसकी बेस पे हमने इसका पैसे भी कैलकुलेट करने के, कितने पैसे लगेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी बता सकते हैं? हाँ जी, क्या है रेट सना? सना रेट क्या है? 8, बिल्कुल ठीक है। आपने जितने यूनिट्स करने हैं, परचेज करने हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 8 से। इसने क्या किया था? क्वेश्चन में ये गिवन किया था, द एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 8 रुपीज। ये आपने 2,43,000 को, या मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, इक्वल टू 2,43,000 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 19,44,000 आपका वो आ गया। इधर आपको 3,66,500 चाहिए थे यूनिट्स परचेज करने थे आपने रॉ मटेरियल के, तो आपने उसको क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 8 किया, आपका 2.9 मिलियन आ गया, 2.932 ठीक है। इसी तरह 4,10,000 को मल्टीप्लाई किया, आपका 32,84,000 आ गया। ओके समझ आ गई सबको? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा? उसने कहा कि अब ये वाला सॉल्व कर लो, या भले पहली उसमें लाइन में आ जाओ ठीक है, जिसके अंदर हमें रिकवरी होनी थी, जो पहला पहला पॉइंट था उसको, सेकंड पॉइंट सॉरी, इसको देखो। 75% इन क्वार्टर ऑफ सेल्स एंड 25 इन फॉलोइंग ईयर सेल्स कलेक्शन, ठीक है। कब कब होनी थी? ये होनी थी 25% उसी क्वार्टर में और 25% अगले क्वार्टर में। अच्छा ठीक है, और रिसीवेबल कितने थे? उसने कहा था अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? 6.5 लाख के। तो सबसे पहले हम रिसीवेबल लिख लेते हैं, पिछले साल के 6.5 लाख हमने लेने ही लेने हैं इससे, पिछले साल के पेंडिंग है जो हमें आने हैं क्वार्टर फोर के क्वार्टर वन में, ठीक है। और हमें इस क्वार्टर की कितनी सेल्स है हमारी, ये हमने कैलकुलेट की थी ऊपर। बजट सेल कितनी थी? 32 लाख की, ठीक है। तो 32 लाख का 75% हमें इस साल मिलना है, ठीक है। 32 लाख का 75%, इसको भले आप कैलकुलेट कर लो, ये लो मैं दोबारा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। इक्वल टू 32 लाख हमारी टोटल सेल है,
तो 0.7% हमें मिलना है, तो ये 24 लाख आ गया, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह आपने अगले क्वार्टर का कैसे कैलकुलेट करना है, क्वार्टर टू का, ये क्वार्टर टू आ गया है, इसकी सेल कितनी है, 4 लाख, 4.8 मिलियन, 48 लाख, 48 लाख का 75% बनता है 36 लाख, ये आपको उसी क्वार्टर में रिकवर हो जाएगा, और इसका 25% अगले क्वार्टर में रिकवर होना, तो दैट मीन्स क्वार्टर वन वाला क्वार्टर टू में रिकवर होना है, तो क्वार्टर वन का कितना रिकवरी है, 25%, बताओ। तो भाई कितनी, 25% बनेगी 32 लाख की, हाँ जी 8 लाख, 8 लाख हमें क्वार्टर टू में रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह क्वार्टर टू वाली, क्वार्टर थ्री में, क्वार्टर थ्री वाली क्वार्टर फोर में, ठीक है। अच्छा जी, आगे उसने, आप पढ़ो जी उसका पॉइंट। उसने क्या कहा था कि हम जो पेमेंट्स करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज पेड 60% इसी क्वार्टर में करेंगे, 40% हम भी अगले क्वार्टर में करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे 75% 25% मिला, हम भी 60% पे करेंगे 40 अगले में। अच्छा जी, पुराना पेबल हमारा कितना है, हमारा पुराना पेबल है 8,15,000 का, ठीक है, क्या रिपीट करना है, सिंपल, उसने कहा था पिछले साल 6.5 लाख रुपए हमारा क्वार्टर फोर का था, जो हमें क्वार्टर वन में देना था, अगले साल हमने बजट में आना है, वो हमें आ गया 6.5 लाख रुपए सीधा सीधा, ठीक है। अब उसने कहा कि अगले उस क्वार्टर की जितनी सेल्स होगी उसका 70%, 75% हमें उसी क्वार्टर में मिल जाएगा, बाकी हमें 25% अगले क्वार्टर में मिलेगा, तो उसी में ये आ गया, अब इसका 25% अगले क्वार्टर में ये आ गया, ठीक है, सिंपल है। हाँ जी फैसल, कर दिया अनम्यूट, बताओ, कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया। सर ये 6,50,000 का हम यहाँ पे 25 नहीं लेंगे, 24 लाख के नीचे ये अकाउंट रिसीवेबल्स हैं एंडिंग। अकाउंट रिसीवेबल शोड अ बैलेंस ऑफ 6.5 लाख, हाँ क्या कह रहे हो इसका, सर ये 25% इसका नहीं लेंगे, 6,50 का और नीचे लिखेंगे। उसने उसने आपको सेल्स थोड़ी कही है, कि सेल 6.5 लाख थोड़ी कि ये पिछले क्वार्टर की 6.5 लाख सेल है, अगर वो कहता है कि अच्छा पिछले क्वार्टर की, जी हाँ इट मींस कि ये 650 ही 25% है। जी वो कह रहा है, उसमें वो बता रहा है आपको, अकाउंट रिसीवेबल AR बैलेंस जो है वो हाँ 6.5 लाख है, उसने ये नहीं कहा कि सेल अच्छा साढ़े अच्छा छह लाख का है, 6 लाख है, अगर वो इस तरह बोलता है कि सेल 6.5 लाख है, फिर आप 25% देते हैं। हाँ ठीक है सर, क्लियर हो गया। ओके okay. अच्छा, इसी तरह उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है 8,15,000 हमने पे करने हैं पुराने, वो तो सीधा सीधा हम यहाँ पे आगे लिख लो ना, 8,15,000 हमने इसको देने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसने कहा है 60% सेल का, जितने हमने वो की है, सॉरी परचेजेस की है, उसका 60% हमें क्या करना है, बोलो 60% हमने क्या करना है, उसी क्वार्टर के अंदर पे करना है, ठीक है। हाँ ये आपका रॉ मटेरियल परचेज आ गया, ठीक है, इसका आपने कितना पे करना है, 60%, इसका 60% कैलकुलेट करो, उन्नीस लाख का 6%, 60% कितना आया, ठीक है, 11,66,400 आ गया सबका, हाँ जी आ गया सबका, बिल्कुल आ गया सबका, ठीक है जी। अच्छा, अब 40% हमने कब पे करना है, नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, अब इसका 40% आप नेक्स्ट क्वार्टर में डाल दो, कितना बनता है, 7 लाख
70,600 ये आप नेक्स्ट क्वार्टर में पे कर दोगे। हाँ जी सब इसको रिव्यू करो जरा। सारे लोग क्वेश्चन को रिव्यू कर लो। सबको क्लियर हो गया मुझे सब लोग बता दें, बाद में फिर आप लोग रोते रहते हैं। मौके पे बताया करो, मौके पे बताते नहीं हो, सो जाते हो मौके पे। ठीक है जी सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल।